नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, उपस्थित हूँ अप्रैल माह का विश्लेषण लेकर के। क्या खास रहने वाला है इस अप्रैल के माह में, जहाँ वैदिक सनातन नववर्ष प्रारंभ होगा, ब्रोध कृत नाम संवत्सर खत्म होगा और परिधावी नामक संवत्सर 6 अप्रैल को प्रारंभ होगा। तो इस नव वर्ष में विशेषतः पंचांग का नया वर्ष प्रारंभ होगा। तो यह नया वर्ष का प्रथम माह क्या खास लेकर के आ रहा है, इस बात पर हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही आपको इस पूरे माह के संपूर्ण व्रत और त्योहारों के बारे में बता दें। 6 तारीख को नव संवत्सर प्रारंभ होगा और 6 अप्रैल से ही चैत्र नवरात्रे प्रारंभ होंगे। तो 8 तारीख को गणगौरी तृतीया का पूजन होता है। इस दिन गणपति का विशेष पूजन किया जाता है। 13 तारीख को श्री राम नवमी है और 14 तारीख को महानवमी का व्रत और त्योहार पूरे भारतवर्ष में मनाया जाएगा। वहीं 14 अप्रैल को संक्रांति बैसाख का माह प्रारंभ हो जाएगा और इस दिन संक्रांति है तो सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। तारीख 16 को एकादशी तिथि है। हालांकि इस समय एकादशी तिथि का क्षय हुआ है, यह तिथि पूर्णतः 6 तिथि है। तो 16 तारीख को कामदा एकादशी का व्रत है और 19 अप्रैल को चैत्र माह की पूर्णिमा है। 19 तारीख को ही श्री हनुमान जयंती होगी। इस दिन हनुमान जी का पूजन होगा और तमाम हनुमान मंदिरों में लोग सुंदरकांड इत्यादि का पाठ करते हैं और हनुमान चालीसा इत्यादि का पाठ करके हनुमान जी का पूजन करते हैं। वहीं 22 अप्रैल को श्री गणेश चतुर्थी होगी। इस दिन गणेश चतुर्थी का व्रत होगा और 30 अप्रैल को पुनः बरूथनी एकादशी का व्रत होगा। इन्हीं सबके बीच में अप्रैल माह का लोक भविष्य क्या रहने वाला है, आइए इसको जानते हैं। सौरमंडलीय और वैशाख माह में 5 शनिवार होने से कई क्षेत्रों में भूकंप इत्यादि की घटनाएं देखने को मिल सकते हैं। बादल विस्फोट, यान इत्यादि की दुर्घटना, अग्निकांड, तूफान आदि प्राकृतिक प्रकोपों से भारी जनधन हानि के योग बनते हुए दिखाई पड़ते हैं और कई क्षेत्रों में विशेषतः व्यापार वर्ग और व्यापारियों के लिए यह माह बहुत ही अच्छा माह रहने वाला है। इनमें इनको लाभ होने के पूर्ण संकेत दिखाई पड़ते हैं। विशेषकर जो लोग आयरन से जुड़े हैं, कोयले से और खाद्यान्न पदार्थों से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को विशेषकर लाभ होने के अप्रैल माह में पूर्णतः योग बने हुए हैं। कई क्षेत्रों में अप्रैल के माह में चक्रवात, आंधी और अतिवृष्टि होने के संकेत हैं। कई जगह अत्यधिक वर्षा होगी और आम जनमानस में ये 5 शनिवार से असुरक्षा महसूस करेंगे लोग।
और सबको एक अज्ञात भय रह सकता है इस अप्रैल के माह में। तो यह अप्रैल का माह कुछ भी अनिष्ट ना हो, यह हम प्रार्थना करते हैं। और आप सभी दर्शकों को और समस्त देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक बधाई देते हैं। यह वैदिक नववर्ष हम सबके जीवन को मंगलमय करे, यही प्रार्थना करते हैं। और साथ ही आपसे भी कहते हैं कि यह प्रार्थना करें कि हमारा राष्ट्र अत्यधिक उन्नति करे और हमारा राष्ट्र इस विश्व में सर्वप्रथम पूजित हो। इसी मंगल कामना के साथ विदाई लेते हैं। नमस्कार।